के हिसाब से कुंभ मेला जो है 14 अप्रैल से लेके 26 मई तक चलने वाला है। अभी 4 स्नान बाकी है। सरकार का गाइडलाइन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो अपने हिसाब से चलती है। हमारा अखाड़ों की परंपराओं के हिसाब से, जो आदिकाल से चलते आ रहा है, उस परंपराओं के हिसाब से हमारा कुंभ मेला अभी भी जो है वो 26 मई तक चलने वाला है। 26 मई तक कुंभ मेला चलेगा। हम लोग सब यहीं पर रहने वाले हैं। हमारा देवता का स्नान होगा। 4 स्नान अभी बाकी है। हम लोग स्नान करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी हमारा संत महात्मा है, सबने अच्छा बयान दिया है। हमारा परम पूज्य, परम वंदनीय, परम आदरणीय निरजनीकांड का सचिव रविंद्र पुरी जी महाराज ने भी कहा है कि हम लोग 27 अप्रैल को स्नान करेंगे। कुछ साधु जाना चाहता है तो जाए। तो ऐसा है कि कुछ साधु संत बीमार है, वो जाए। वैश्विक महामारी है, कोरोना सबके लिए है, और ये हर 100 साल में ऐसी बीमारी आती रहती है। प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। मृत्यु निश्चित है, मरना है एक दिन सबको, परंतु अपनी परंपराओं का भी निर्वाह करना है। श्री महंत हरिगिरि जी महाराज का ऐसा मानना है कि अपनी परंपराओं का निर्वाह करो, और 4 स्नान हम लोग करेंगे। जूना श्रीपंत दशम, जूना अखाड़ा, हम लोग सनातन धर्म की परंपराओं को निर्वाह करने वाले हैं, और हमारा 4 स्नान इसमें होगा। 4 स्नान हमारा बाकी है। हम लोग जो है वो यहाँ पर हरिद्वार में 26 मई तक रहने वाले हैं, और हमारी परंपरा के हिसाब से 26 मई तक कुंभ मेला चल रहा है, और हम उसको धूमधाम से कुंभ मेले को मनाएंगे। किसी भी प्रकार का जो सरकार का गाइडलाइन है उसको मानेंगे। कोरोना का टेस्ट भी करवाएंगे, सारी जांच भी करवाएंगे। हम जो इंजेक्शन है वो भी लगवाएंगे, अपने इंजेक्शन को भी लगवाएंगे, दवाई भी लेंगे, और हमारे संत महात्माओं को, सभी जूना अखाड़े के जो महात्मा है पूरे हरिद्वार के अंदर में, उनको बोल दिया गया अपने आश्रम में 1, 2, 5, 10 कमरे दो। हमारा कोई कोरोना बीमार होता है तो हम वहाँ जो शिफ्ट कर देंगे उसको, और वहाँ पर रखेंगे। परंतु कुंभ मेला हम करेंगे, और 4 स्नान हम लोग करने वाले हैं। हर हर महादेव, जय हो।